हेडिंग डालो आप लोग, पीएच कैलकुलेशन फॉर द मिक्सचर। आयनिक इक्विलिब्रियम की यह क्लास और हम कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हम पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड में भी फिर दो कहानी बनी थी, याद है आप लोगों को? एक जिसमें कंसंट्रेशन 10^-6 से ग्रेटर हो, उसमें वॉटरी कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते थे। दूसरा जो 10^-6 से कम हो, उसमें हमें उसकी कंसंट्रेशन लेनी पड़ती थी, याद है ना आप लोगों को? अच्छा, आज जो हम करने वाले हैं इसमें प्यारे बच्चों मिक्सचर, एक तो मिक्सचर का करेंगे और उसके बाद हम करेंगे वीक एसिड की कैलकुलेशन। वीक एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन, तो उसके बारे में जानेंगे। हेडिंग डाल लीजिए पीएच कैलकुलेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड। टू स्ट्रॉन्ग एसिड यानी कि दो एसिड्स को मिला दिए हमने और उसमें पीएच की कैलकुलेशन को हम करने वाले हैं। जल्दी से ये नोट डाउन करेंगे, अब नाम से पता चल रहा है इसमें आप दो एसिड मिला रहे हो। अच्छा, दोनों एसिड है कैसे ये बताना मुझे एक बार। स्ट्रॉन्ग है, अगर दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरह से डिसोसिएट होंगे। अरे प्लीज बातें नहीं, अगर ये दोनों एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पूरी तरह से क्या होंगे, डिसोसिएट। मैंने आप लोगों को बताया था, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कोई भी दो एसिड्स लेना है आपको, मोस्ट प्रोबेबली पता है क्या क्या होगा, आप समझिए एसिड वन की कहानी में यहां लिख रहा हूं और एसिड टू की कहानी में यहां लिख रहा हूं और दोनों को मिक्स किया गया है। क्या किया गया है, अबे आप ध्यान से समझना, एसिड हमेशा क्या देगा, एच प्लस, क्या देगा, दूसरा एसिड भी क्या ही देगा, एच प्लस, लेकिन दोनों एसिड का नेचर अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि ये मोनोप्रोटिक हो, याद रहेगी ये बात, मोनोप्रोटिक का मतलब समझते हैं जो एक एच दे। अच्छा डाइप्रोटिक होगा तो, अच्छा एक बात समझो, मोनोप्रोटिक हो या डाइप्रोटिक हो या कुछ भी हो, मैं यहां पे मेंशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे केस बन जाएंगे, आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है, एन फैक्टर। एन फैक्टर समझते हैं आप लोग, एन फैक्टर इज द नंबर ऑफ एच प्लस आयन, नंबर ऑफ एच प्लस आयन जो वो एसिड देगा। जैसे ये अगर मोनोप्रोटिक होता तो इसमें नंबर ऑफ एच प्लस आयन कितने मिलते, एक। अगर ये डाइप्रोटिक होता तो कितने मिलते, दो। ट्राइप्रोटिक होता तो, सिंपल सा लॉजिक है। इसी तरह से इसका भी एन फैक्टर होगा, जिसे मैं एन टू बोल रहा हूं, इसका एन फैक्टर होगा एन वन होगा। फिर उसके बाद इस एसिड की कंसंट्रेशन होगी जिसको हम मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, मोलैरिटी इज कंसंट्रेशन एम वन, इसकी मोलैरिटी को हम एम टू लिखेंगे, दूसरा एसिड है इसलिए। इसका वॉल्यूम दिया जाएगा आपको, वॉल्यूम इज वी वन, और ये जो वॉल्यूम है अगर ये लीटर में मिलता है तो बेस्ट है, अगर ये मिलीलीटर में मिलता है तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्यों। वी टू ये भी आपका वॉल्यूम है और ये भी अगर लीटर या मिलीलीटर किसी में भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा जब समझ में आएगी, अभी फिलहाल ये कर लीजिए आप लोग फटाफट से। उसके बाद आप एक और लाइन लिख लेना मोल, प्यारे बच्चों एक सेकंड बस देख लो इधर, मोल का फॉर्मूला क्या होगा यहां पे, मोल जो आपको लेने हैं, एक्चुअली में मोल नहीं लेने हैं, आपको लेने हैं ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्या लेने हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट मैंने आपको ना फर्स्ट चैप्टर में कराया था जो कि होता था नॉर्मल, अच्छा मैं एक और चीज लिख देता हूं, कैपिटल एन लिखा होगा ना तो वो नॉर्मैलिटी दे रखा होगा, एक ही चीज देते हैं ये, या तो नॉर्मैलिटी देंगे या फिर मोलैरिटी देंगे। मोलैरिटी देंगे तो एन फैक्टर का काम आएगा और अगर नहीं तो वो नॉर्मैलिटी से ही काम चल जाएगा, क्योंकि एन वन और एम वन की जो मल्टीप्लाई होती है वो कैपिटल एन वन के इक्वल होती है। तो ग्राम इक्विवेलेंट इज एन वन वी वन, सिंपल लॉजिक है, ग्राम इक्विवेलेंट इज एन वन वी वन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड वन, यू कैन से एसिड वन के लिए खेला ये। हाँ जी कौन, अभी आया, ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ जी, अरे प्लीज, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड टू, एसिड टू के लिए ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, एसिड टू के लिए ग्राम इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा, दैट इज एन टू वी टू, बहुत ही सिंपल चीज है, एन टू और वी टू, बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद अगर ये पेपर में नहीं मिलता है, नॉर्मैलिटी जैसे नहीं मिलेगी आपको क्वेश्चन में, तो आप क्या करना, यही चीज सेम एन वन वी वन की जगह स्मॉल एन एम वन वी वन लिखना, और यही चीज यहां पे भी स्मॉल एन टू एम टू वी टू लिखना, बात समझ में आई आप लोगों को। इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल या H प्लस की वैल्यू जो निकालनी है आपको, दोनों को मिक्स किया गया, अरे हाँ ना कुछ तो बोल यार,
बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना। दोनों को मिक्स किया है, उसका ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसका ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों को जोड़ दो तो क्या आएगा यहां पे बताओ मुझे। एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालनी है ना तुम्हें, तो यहां पे नॉर्मेलिटी लिख लो या एच प्लस की कंसेंट्रेशन लिख लो, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं यहां पे कंसेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, सिंपल। हाँ, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है वी वन, दूसरे वाले का क्या है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, दैट इज वी वन प्लस, सिंपल है। एच प्लस की कंसेंट्रेशन आ गई, इसके बाद हम पीएच निकालेंगे। एक बार इतना लिखो, फिर मैं क्वेश्चंस में बताता हूं आपको क्या करना है, जल्दी करिए। ठीक है, यहां तक नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। अरे क्या रह गया, प्लीज जल्दी करिए, बातें नहीं। यहां जो कंसंट्रेशन, अरे प्लीज यार, यहां जो कंसंट्रेशन आती है नॉर्मेलिटी के ही इक्वल आती है, इसी से हमारा पीएच निकल जाएगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर ये नहीं है आपके पास, नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मेट में रखोगे। क्या है फॉर्मूला, एन वन एम वन वी वन, तो यहां पर हम रखेंगे एन वन कैपिटल एम वन वी वन प्लस एन टू एम टू वी टू डिवाइडेड बाय वी वन प्लस वी टू, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या फॉर्मूला लगना है, और बड़े ध्यान से करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना भाई इस टॉपिक में, क्योंकि हमें आज एसिड, वीक एसिड के लिए भी पीएच कैलकुलेशन करनी है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ इस चीज को। चले आगे, यार इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, मैं साथ साथ लिखोगे आगे से मैं टाइम नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ मिक्सचर। ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको मिक्सचर निकालना है पीएच का, पीएच निकालना है मिक्सचर का। इसमें आपको 400 ml 1200 m दे रखा है, 400 ml 1.100 m HCl दे रखा है। नाउ चेक इट आउट, H2SO4 किस चिड़िया का नाम है, क्या ये एसिड है, सबसे पहला काम HCl, क्या ये भी एसिड है, तो हमारा एसिड वाले केस में हमने साइन किसका लगाया था, प्लस का, किसका साइन लगाया था। दूसरी बड़ी बात प्यारे बच्चों, जो H2SO4 है, क्या है, देखिए H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह से डिसोशिएट होगा। H2SO4 लिखा हुआ है, मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक है, वेरी गुड। एक काम करें, ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि हम ये सारी चीजें ना डिस्कस करके हम क्या करते हैं, हमें पता है कि H2SO4 और HCl को मिलाया गया है, तो हम क्या करते हैं, इधर H2SO4 का डाटा लिख लेते हैं, अरे हाँ ना कुछ तो बोल यार, और इधर हम किसका डाटा लिख लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, H2SO4 में मुझे कितने H मिलने वाले हैं, इसका n फैक्टर जिसको हम n1 से बोलते हैं वो कितना हो जाएगा, 2। मैं n फैक्टर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को मोलैरिटी दी गई है, क्या दी गई है मेरे को, कैपिटल M से मोलैरिटी होता है, क्या होता है, तो H2SO4 की मोलैरिटी को m1 लिखेंगे, और जो कि दे रखा है 1.200 लगाने की जरूरत नहीं है, ये कैपिटल M के इक्वल हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। नाउ चेक इट आउट, इधर आते हैं HCl में, HCl में मोनोप्रोटिक है, डाइप्रोटिक है, अगर ये मोनोप्रोटिक है तो इसका n फैक्टर जो छोटा n लिखा है हमने वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। अच्छा HCl की कंसंट्रेशन प्यारे बच्चों m2 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, 1.1, कितना आएगा, 1.1 m आएगा,
बहुत बढ़िया। कुछ और मिसिंग कर रहे हैं हम, कुछ और छोड़ रहे हैं हम, यह ध्यान रखना। क्या यहां पे क्या लिखा हुआ है? 400 ml। 400 ml क्या होता है? मैंने आपको बताया था वॉल्यूम चाहे लीटर में हो चाहे मिलीलीटर में, इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन मैं तुम्हें अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। यहां पे V1 लिखेंगे, V1 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 400 ml। कितना? 400 ml। ठीक है, छोटा m बना लेना, 400 ml। उसका भी वॉल्यूम लिख लो फटाफट से, जल्दी करो। ये भी कितना है हमारा? ये दोनों 400 ml। नाउ बोथ आर द एसिडिक इन नेचर, यस और नो? यस। अब फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे एच प्लस की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए? ऐसे ब्रैकेट में लिखना इक्वल्स टू, नॉर्मैलिटी तो दे नहीं रखी है, कौन सा क्या क्या लगाओगे? नॉर्मैलिटी वाला फॉर्मूला क्या आएगा बोलो? N1 M1 V1 प्लस, बोलना यार, N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? V1 प्लस V2। अच्छा एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ऊपर वॉल्यूम मिलीलीटर में, नीचे वॉल्यूम मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, कोई फर्क? इसलिए हम हजार से डिवाइड वगैरह कुछ नहीं करते, सीधा वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देंगे। यहां से सारा डाटा पुट करिए, जस्ट कैलकुलेट द एच प्लस साइन। फटाफट से चाहिए मुझे एच प्लस साइन की वैल्यू, जल्दी जितनी जल्दी हो सके। है जी 1.5। क्या ये सही बता रहा है बच्चा? क्या ये बच्चा सच में सही बता रहा है? वन पॉइंट बोलो बोलो, वन पॉइंट जीरो फोर बता रहा है ये बच्चा, बोलो। अभी तक आंसर नहीं आया यार, कितना? 1.65 टेन की प्लस की माइनस की? प्लस की दो। क्या ये बात सही है? मल्टीप्लाई नहीं आता यार तुम लोगों को, मतलब बिल्कुल ही हद होती है, मैं लिख ही नहीं रहा हूं। आप जब तक होगा नहीं तब तक हम करेंगे, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पुट करके आंसर निकालना नहीं आता, मल्टीप्लाई नहीं आती यार तुम लोगों को। डाटा पुट करो यार जल्दी से। एच प्लस N1 कितना था यहां पे? 2 मोलैरिटी 1.2 × 400 प्लस, मेरे को ही करना पड़ा फिर, तुम्हारी क्या जरूरत थी? 400 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 400 800। यही किया है सभी बच्चों ने? जब यहां से उतारोगे तो यही करोगे ना, खुद तो दिमाग लग नहीं रहा है कि यहां से उठा के डाटा इस फॉर्मूले में पुट करना था, उधर सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई करके कितना आया ये ऊपर? ये 2.4 और 4 कितना आया? 960 प्लस 440 डिवाइडेड बाय 800 कितना आ गया? ये 1400 डिवाइडेड बाय, जीरो से जीरो काट दो, 10 की पावर 2 पता नहीं कैसे निकाला था ये, 14/8 आ गया, 7/4 आ गया एच प्लस। क्या और कैलकुलेट करने की जरूरत है? इतना ही काफी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य एच प्लस कैलकुलेट करना नहीं है। क्या है उद्देश्य? पीएच। चलिए बच्चे पीएच कैसे निकालेंगे? पीएच का फॉर्मूला बताओ मुझे। है हाँ नहीं, ये 1.2 ही है ना सिर्फ, कहां से उतार लिया क्वेश्चन तुमने? वो जीरो जीरो नहीं लिया ना, वो जीरो की क्या वैल्यू है? कुछ भी वैल्यू नहीं है। पीएच निकालिए प्यारे बच्चों, पीएच का फॉर्मूला क्या था? माइनस लॉग एच प्लस, इस एच प्लस की वैल्यू यहां पुट कर दे यार। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 7/ क्या आ गया? 4। क्या होगा यहां पे? माइनस लॉग 7 माइनस लॉग 4 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू पीएच। क्या आएगा बताइए? लॉग 7 की वैल्यू याद कराई थी, कितनी थी? 0.84 और लॉग 4 की 0.60। तो पीएच की वैल्यू किसमें आ गई यहां पे? 0.24 और वो भी आया माइनस का, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि ये क्वेश्चन जो है वो गलत होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि पीएच की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आती। पर तरीका आपको समझ आ गया, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा समझ में आएगा।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लॉजिक तुम्हें क्लियर हो गया है, पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हेडिंग डाल लो। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसका, बट यहां पे कुछ एरर होगा, इस वजह से हमारा आंसर नेगेटिव आ रहा है, आना नहीं चाहिए। स्ट्रॉन्ग बेस में वही सेम कहानी है, बेस वन और दूसरा बेस टू, या तो ये नॉर्मैलिटी देंगे, कैपिटल एन टू से क्या होता था नॉर्मैलिटी, या तो नॉर्मैलिटी देंगे या इंस्टेड ऑफ दिस नॉर्मैलिटी की जगह हम क्या लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, मोलैरिटी, जिसमें एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर क्या होता है बताएगा कोई बच्चा, नंबर ऑफ, यहां पे बेस है ना, OH नेगेटिव आएगा, वॉल्यूम अपना सेम रहने वाला है B1, बेस टू में नॉर्मैलिटी टू हो जाएगी या एन फैक्टर टू और एम टू हो जाएगा, वॉल्यूम भी V2 हमारा वॉल्यूम दो दे रखा होगा जो भी है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें हमें हमारे से क्या निकलेगा बताओ मुझे, कंसंट्रेशन किसका निकलेगा, OH नेगेटिव, क्या होगा वो कंसंट्रेशन बताएगा कोई बच्चा, अगर इन टर्म्स ऑफ नॉर्मैलिटी में क्वेश्चन है तो बोलो फटाफट से, कैपिटल N1 हाँ प्लस N2 V2, प्लस करेंगे हमेशा याद रखना, अगर ये भी बेस दोनों बेस है तो बीच में साइन किसका आएगा, और हमेशा नीचे वॉल्यूम V1 प्लस V2 ही होगा, या जो भी वॉल्यूम वो देंगे वो लिखना है तुम्हें। अगर नॉर्मैलिटी नहीं दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, तो फॉर्मूला बताऊं, ये लिख लेना, मैं ये खत्म करते मैं किसी के लिए नहीं रुकने वाला, मैंने पिछली बार भी बोल दिया था, फॉर्मूला बता दो बस मुझे यहां, स्मॉल N1 वेरी गुड, M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, वेरी गुड, दिस इज द OH। अब यहां से OH नेगेटिव निकला है, OH से आप क्या निकालोगे, और PH नहीं निकलेगा, POH निकलेगा, और उससे फिर तुम्हारा क्या निकल जाएगा, PH। ये तरीका क्वेश्चन का, मैं ध्यान रखते हैं, ये हो गया मेरे ख्याल से, मेरे को लगता नहीं किसी के लिए रुकना चाहिए मुझे, डन हो गया है ना, प्लीज कंफर्म। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम, यहां पे पिछला नहीं हुआ है तो भी छोड़ दो बच्चे, बाद में कर लेना, अभी ये क्वेश्चन पे फोकस करो, ये क्वेश्चन पूरा स्टेटमेंट आप लिखेंगे, 500 ml ऑफ 10^-5 MnOH इज मिक्स्ड विद 500 ml ऑफ 2.5 × 10^-5 m ऑफ BaOH ट्वाइस, कैलकुलेट द पीएच, BaOH ट्वाइस कैलकुलेट द पीएच। एक काम करना सुनो, यहां पे माइनस फाइव की जगह ना, तुम लोग इजी रहेगा तुम्हारे लिए, -3 कर लीजिए बच्चे, -3 दोनों में, ठीक है, कैलकुलेट द पीएच, आपको इस मिक्सचर का पीएच निकालना है। नाउ चेक इट आउट, जो मिक्स किया गया है वो है क्या नेचर, एसिड या बेस, दोनों बेस हैं, एक NaOH और दूसरा क्या है BaOH ट्वाइस, हमेशा ऐसे ही करना, मेरे ख्याल से नंबर कटने के चांसेस कम हो जाएंगे, कटेंगे पर चांसेस कम हो जाएंगे, मैं इतना बोल रहा हूं। NaOH कितने OH देगा, एक, और BaOH ट्वाइस कितने, दो। नाउ चेक इट आउट, यहां पे ध्यान देंगे, NaOH N1 इक्वल्स टू OH, N1 कितना होगा यार, एक, तो यहां पे मुझे एक लिख देना है, सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि मुझे मोलैरिटी दी गई है, क्या दी गई है मुझे, तो मोलैरिटी में एन फैक्टर जरूर लगना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मोलैरिटी लिख दिया, एन फैक्टर के बिना कहानी नहीं बनेगी। और N2 बच्चे, N2 BaOH ट्वाइस में कितने OH मिल रहे हैं, और मेरे साथ साथ लिख रहे हो, ये बात ध्यान रखना, M1 मोलैरिटी NaOH के लिए मोलैरिटी कितना है यार, 10^-3, ठीक है, ओके, एम में दे रखा है, M2 मोलैरिटी 2.5 × 10^-3 m दे रखा है, बहुत बढ़िया, वॉल्यूम V1 V2, V1 इज 500 ml, V2 इज, नाउ कौन सा फॉर्मूला लगाना है यार प्यारे बच्चों, मोलैरिटी वाला लगाना है कि नॉर्मैलिटी वाला लगाना, मोलैरिटी वाला, तो चलो जल्दी करो, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो यहां पे पहले फटाफट, अच्छा निकल के क्या आएगा, H आएगा कि OH आएगा, OH, बहुत बढ़िया, OH नेगेटिव इज इक्वल्स टू, बोल बेटा सबकी कॉपी चेक होगी, N1 M1 V1 प्लस N2 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, वेरी गुड, इनकी वैल्यू पुट नहीं कर पा रहे हो तुम सब,
और वैल्यू पुट करके सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो। सॉल्व कर दिया क्या इस बच्चे ने? चेक इट आउट, OH नेगेटिव निकला है तो प्यारे बच्चे POH और निकाल ले, दुनिया से आगे निकल। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, N1 इज 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 500 प्लस 2.5 × 10 की पावर माइनस 3 इंटू 500। ऐसे किया क्या यार? डिवाइडेड बाय 1000 ml। हाँ जी प्यारे बच्चों, क्या ऐसे ही किया है आप लोगों ने? 500 500 हजार होते हैं यार, 2 को 2.5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना है? 5। 500 500 500 क्या करे? बोलो OH नेगेटिव, बोलना यार कुछ तो बोल। ये कितना हो जाएगा? 500 × 10 की पावर माइनस 3, ये वाला पहला वाला 25 कैसे हो जाएगा? दो ही जुड़े तो खाएंगे, कितना आ जाएगा? 5 × 10 की पावर माइनस 1। अच्छा 5 × 10 की पावर माइनस 1 को कितना लिख सकते हैं हम? 0.5, वेरी गुड। प्लस 5 5 2500, 3 जीरो खा जाओ तो कितना हो गया ये? 2.5, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना हो गया? 2.5 × 5 3/1000। हजार का मतलब कितना बताया था? 10 की पावर माइनस 3, ऊपर आ गया ये तो 3 × 10 की पावर। ये हमारा क्या आया है? OH नेगेटिव। क्या यही आया है सभी बच्चों का? अब OH आने के बाद की कहानी क्या थी हमारी? POH। कौन निकालेगा POH? POH माइनस log OH नेगेटिव, बहुत बढ़िया। OH नेगेटिव की वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो POH इज इक्वल्स टू, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी आई है? माइनस log, उसकी वैल्यू लिखना यहां से। यहां क्या देख रहा है? अपना लिख अपना वैल्यू, तेरे को पता नहीं है OH नेगेटिव की वैल्यू कितनी है। इंतजार में 3 × 10 की पावर माइनस 3, लॉग में जब दो चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो यहां आ जाएगा POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 3 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, अब क्या होगा? ये माइनस 3 जो है वो आगे आ जाएगा, है कि नहीं है? बताओ अपने लॉग क्या आगे आएगा? ये ध्यान रखना, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 3, ये माइनस माइनस दोबारा से प्लस हो जाएगा, 3 log 10। लॉग 10 की वैल्यू नहीं बता रहे हो, और लॉग 3 की वैल्यू प्लस का माइनस का, सॉल्व किया कितना आया POH? 2.53 ये आया POH। लेकिन pH निकालना मकसद था, बहुत बढ़िया। pH इज इक्वल टू 14 − POH, यही होगा ना रे? 14 − 2.53 एडवांस 11.47 इज द pH। नेचर कैसा है उस सॉल्यूशन का? बेसिक। क्या ये बात समझ में आ गई? कुछ तो गड़बड़ है दया। चले आगे, नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे, पीएच मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, प्यारे बच्चों अब हम एक स्ट्रॉन्ग लेने वाले हैं, एक हम लेने वाले हैं एसिड और दूसरा लेने वाले हैं हम बेस। हाँ वही, दोनों स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अरे सुन ले नालायक, एसिड के लिए मैं यहां पे 1 2 नहीं रख रहा हूं, कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हारे को, तो मैं रख रहा हूं Na। Na की जगह आप रख सकते थे NaMa। समझ में आ रहा है आप लोगों को? N क्या है? नॉर्मैलिटी, कुछ भी दे देंगे वो, मोस्ट प्रोबली मोलैरिटी देते हैं, N फैक्टर से निकाल लेना। बेस के लिए NB लिख लाऊं, कोई दिक्कत वाली बात?
ये एन बी और एम बी आ जाएगा, एम बी यहां पे मोलैरिटी ऑफ बेस आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए वॉल्यूम ऑफ बी, और तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि एसिड और बेस है दोनों को मिक्स किया, तुमने कभी गोलगप्पे खाए हैं जिसमें एक पहले खट्टा खाते हो फिर मीठा खाते हो, वैसे ही एक बेबी को पसंद है एक बाबा को पसंद है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे, बताओ नेचर किसका रहेगा, एसिड का या बेस का, ये डिपेंड करेगा कौन सी बड़ी वैल्यू है। केस नंबर वन प्यारे बच्चों, केस नंबर वन ये है कि अगर मान लो एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा बड़ी आती है किससे, बेस से, तो ये लगाना है। कैसे चेक करें, तो बहुत आसान है, या तो आप एन वन वी वन को कंपेयर करो, अगर नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है, ध्यान से समझना, बड़े एन वन लिख दिया मैंने यार, तुम समझ गए ना एन वन का मतलब क्या है यहाँ पे, हाँ इक्विलिब्रियम का जितना हो जाए मतलब, तो देखो ये है केस वन, प्लीज बातें नहीं आप, ये है केस वन, इसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बेस से, तो आपको पता है कि NaMaBa यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द, पहले मल्टीप्लाई कर लेना और निकलेगा क्या H प्लस, यहां पे साइन किसका लगाना है माइनस। अब तुमने बोला केस टू में, केस टू में क्या होगा कि इसके अंदर ना बेसिक सोल्यूशन होगा, ऑब्वियसली अगर बेसिक सोल्यूशन होगा तो कौन ज्यादा बड़ा होगा, बेस की कंसंट्रेशन बड़ी होगी, एसिड की कंसंट्रेशन कम होगी, यही लिखा है आप लोगों ने, यानी कि आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि बेस के लिए जो नॉर्मेलिटी हमने मानी थी NVVB है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, NaVa से, A फॉर एसिड रखा है हमने, वन और टू में नहीं खेल रहे हैं, हम एसिड में खेल रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस नॉर्मेलिटी नहीं दे रखी है तो मोलैरिटी में खेलोगे तो छोटा है Na जो कि होता है N फैक्टर, याद है ना आप लोगों को, मोलैरिटी की बात करें तो हमारा MaVa आ जाएगा विच इज लेस देन टू, N फैक्टर ऑफ बेस, मोलैरिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस, इस केस में आपको क्या निकालना, तो याद है आप लोगों, बताओ OH, बहुत बढ़िया, तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन निकल के आएगी, नॉर्मैलिटी निकल के आएगी, वो ये माइनस ये करना है, यानी कि बेस का ज्यादा वैल्यू है तो वो माइनस ही मत निकाल देना, कंसंट्रेशन याद रहे, तो बस एम बी वी बी कर देंगे यहाँ पे एंड देन माइनस करेंगे एन ए एम ए वी ए को एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर देना वी ए प्लस वी बी से। ये मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मिलीलीटर में है या लीटर में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां तक हो गया सही बच्चों, बेस केस टू लिख लिया है ना आप लोगों ने, चलिए बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे ये, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये 1/200 है अगेन, और ये 1/50 है HCl में, ये 1/4 है याद रहे, इसमें तुम देखोगे ना कौन सा केस बना हुआ है, जो भी केस बनेगा वो तुम्हें पता चलेगा ना वहां पे, एक एसिड है एक बेस है, पहली बात तो सबसे पहले ना आप एक तरफ ना ऐसे लिख लो BaOH twice, ठीक है, एक तरफ लिख लो आप HCl ऐसे करके, ऐसे करने से क्या होगा, BaOH twice के बारे में डाटा लिख लो, बेस है ये तो NB की वैल्यू हो जाएगी 2, अरे हाँ ना कुछ तो बोल यार, अच्छा उसके बाद BaOH twice की कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी MB दे रखी है 1/200 और वॉल्यूम 400 ml, ठीक है, HCl के बारे में बात करें, इसका n फैक्टर कितना है प्यारे बच्चों, 1, मोलारिटी 1/50 और वॉल्यूम कितना दे रखा है 400। अब आप ना ज्यादा कुछ मत करो, यहां तक लिख लिया ना आप लोगों ने, क्वेश्चंस भी लिख लिया है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए एक बार चेक करने के लिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 400 से 200 कट जाएगी 1/4 में और फिर 2, तो यहाँ पे क्या आया है 4 आया है, इन तीनों की भी मल्टीप्लाई करिए, इधर 8 आया है, कौन सा बड़ा है, है? पक्का कौन सा बड़ा है, तो कौन सा लगेगा केस, केस वन, केस वन में क्या निकलेगा आपका H प्लस। अच्छा मैं दोबारा लिखूं या समझ में आ गया कैलकुलेट करा है, तो मैं डायरेक्टली करूंगा, क्या करूंगा 8 माइनस, अरे यार ये 3 की मल्टीप्लाई 8 थी, माइनस इन तीन की मल्टीप्लाई, तो 8 - 4 कर दिया, डिवाइडेड बाय बोल 800 कितना है 4/ कर 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 कर, ज्यादा नहीं सोल्व करना, 4/800
सॉल्व किया तो 1/200 कितना आएगा ये है जी 0. इसको सही से लिखे तो ये किसकी वैल्यू आई है एच प्लस की ना, निकालना क्या है हमें निकाल पीएच का तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव। वेरी गुड। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस की वैल्यू रख देंगे यहां पे 5 × 10^-3। लॉग में अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है प्यारे बच्चों ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग 5 − log 10^-3। पावर अपने लॉग के आगे आएगी, लॉग 5 की वैल्यू याद है आप लोगों को, वैल्यू पुट कर दी 0.69 + 3। लॉग 10 1 होता है, 3 में से 69 घटा, मतलब 3 में से 0.69 2. ये पीएच आ गया हमारा डायरेक्टली। कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस? पक्का कर लोगे? चलिए डाउट फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया सभी का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, थोड़ा टिपिकल लग रहा है पर है नहीं, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसे, डाटा लिख लेंगे साथ साथ। दिमाग लगाओ, मैं नहीं कराने वाला है। इसमें एक तरफ आपका HCl है नो डाउट एंड दूसरी तरफ NaOH। अब बड़े ध्यान से देखेंगे HCl की, इन्होंने इनका n फैक्टर जो होता है वो 1 होता है, NaOH का भी n फैक्टर 1 होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और ध्यान से देखेंगे तो वॉल्यूम कितना दे रखा है एसिड का 150 ml, इसका कितना दे रखा है वॉल्यूम बेस का 350 ml है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो वैल्यू न्यूट्रल हो जाएगी, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से है, कितना वॉल्यूम मिलाया, कितना कंसंट्रेशन मिलाया, अदरवाइज तो। अब हां जी, इसका पीएच दे रखा है इन्होंने कितना दे रखा है, अगर आप बोर्ड पे थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखें, बाकी सब कुछ भूले, पीएच 2 दे रखा है। पीएच का वैसे फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, माइनस लॉग एच प्लस। एक काम करो, सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर इधर इसको ना इधर सॉल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। पीएच की वैल्यू होती है माइनस लॉग एच प्लस, अरे हाँ ना कुछ तो बोले, एच प्लस इज इक्वल टू एंटी लॉग माइनस पीएच, पीएच कितना था -2। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा, एंटी लॉग होल नंबर है ना, ये कंप्लीट नंबर है ना, तो 10^ क्या आ जाएगी, यानी H प्लस अगर होल नंबर होता तो सीधा आ जाता 10^-pH। अरे फॉर्मूला होता था ना यार, H प्लस इज इक्वल टू 10^, ये कब लगाते थे जब होल नंबर होता था, तो डायरेक्टली भी लिख सकते हो, नहीं समझ में आता इस तरीके से भी लिख सकते हो, कैसे भी करके मुझे बताओ एच प्लस की वैल्यू कितनी है। एक और बात मुझे बताई दो साथ साथ अगर इतना कर रहे हो, एच प्लस का ये कंसंट्रेशन है, क्या है ये जो ऊपर देख रहे हो तुम लोग ऊपर, ये कौन है HCl, क्या होता है एसिड, तो ये जो कंसंट्रेशन H प्लस की है वही कंसंट्रेशन किसकी होगी, यानी कि ये मोलारिटी है, क्या है ये MA है, नहीं आया समझ में। अच्छा अब बोर्ड पे एक और बार, चलो इतना लिख लो पहले फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि फिर ज्यादा ही चीजें हो जाती हैं। NaOH का भी अगर आप देखोगे तो सेम ही थिंग्स हैं। NaOH में इन्होंने हमें पीएच दे रखा है, कितना दे रखा है, अच्छा पीएच से मैं क्या निकाल सकता हूं, एच निकाल सकता हूं, बट मेरे को एच नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, तो पीएच अगर 12 है तो पीओएच ऑटोमेटिकली 2 आ जाएगा, अरे हाँ ना बोल यार, अभी एंटी लॉग पैक ये सब किया है तो OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन आएगा वो 10^, तो ये जो OH नेगेटिव, जितना OH नेगेटिव होगा उतना ही क्या होने वाला है NaOH, क्यों होने वाला है, क्योंकि NaOH और OH दोनों की कंसंट्रेशन क्या रहती है यार सेम, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग में जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, एक है तो एक से मल्टीप्लाई करोगे, दो है कराया था कि नहीं कराया था,
यानी NaOH की कंसंट्रेशन भी इतनी है, यानी कि ये हमें क्या दे रखा है, मोलारिटी दे रखी है जो कि 10^-2 m। ये मोलारिटी हो गई, ये वॉल्यूम हो गया, ये n फैक्टर हो गया। नाउ ये n फैक्टर, ये वॉल्यूम और ये मोलारिटी। अरे आया समझ में कि नहीं आया? अब खेला शुरू होगा। अब मुझे एक बात बताइए, सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है? ऐसे पता लगाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीन चीजों की मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, एक मोलारिटी की मल्टीप्लाई करेंगे और एक वॉल्यूम की और एक एन ए की, यानी कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है जी? पक्का ग्राम इक्विवेलेंट इज 1 × 150 × 10^-2, तो 10^-2 इज 1.5। वेरी गुड, परफेक्ट। इसका कितना आया है ग्राम इक्विवेलेंट है जी? 3.5। तो ज्यादा कौन है? तो किसको किसमें से माइनस करोगे? बेस में से एसिड को माइनस करोगे। तो करे फिर क्या निकल के आएगा? OH नेगेटिव निकल के आएगा। वेरी गुड, निकाल। तो क्या करोगे? 3.5 माइनस डिवाइडेड बाय 500, 150 प्लस 300, 500 हो गया। ऊपर क्या बचा रहे? 2 बाय 500 का मतलब 4 × अगर OH आ गया है तो क्या निकल के आएगा? POH। वेरी गुड, POH कितना आया? माइनस log 4 × 10^-3। अलग अलग लिख दो, ये बार बार तुम्हें समझ में आ रहा है? बार बार जब तुम ये लिखते हो तो जो भी 10^ है वो प्लस में आ जाता है ना? तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो POH इज इक्वल टू माइनस log 4 प्लस 3, 3 log 10 1 हो गया। ये है ना, 4 की वैल्यू कितनी बताई थी? 0.06। अब तो याद भी होगी, टेबल की भी जरूरत नहीं पड़ती होगी, तुम लोग प्रो बन चुके हो। 2.4 आ गया POH, लेकिन हमें निकालना क्या है? कितना आया? 11.6 इज द आंसर। कर लोगे? क्वेश्चन कुछ भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चले आगे। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल यार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पे, जल्दी से करें। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये जल्दी करेंगे, इसमें ज्यादा कोई चक्करबाजी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। फटाफट से, एसिड बेस दे रखा है, एसिड बेस में माइनस करते हैं बीच में से, पता करो कि कौन क्या है, जल्दी निकालो इसका। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लीजिए। नहीं आया ना? एक तो मैं यहीं पे समझा देता हूं, ये एक तरफ ये हो जाएगा, ये इसका एम बी है, ये इसका वी बी है, और सी एच टू इसका एन फैक्टर कितना लिया रहे हैं? 2। एन बी 2 होगा ना, 2 OH मिल रहे हैं। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल यार। इसमें वी ए ये हो गया एम ए, और एन ए कितना है? 1। बोल भाई, मल्टीप्लाई कर दे इन तीनों की यहीं पे, मोटा मोटा कर दे। 0.2 × 10 2 × 2 कितना आ गया? 4। इसका आया 4 ग्राम इक्विवेलेंट। इसका कितना आया है ग्राम इक्विवेलेंट? इसका 2.5 आया है। ज्यादा बड़ा कौन है? बेसिक। तो वही फॉर्मूला क्या निकलेगा? OH। जल्दी कर दे। OH नेगेटिव डायरेक्ट निकाल दो ना। अब 4 − 2.5 डिवाइडेड बाय बोल 35 कितना आएगा रे? डिवाइडेड बाय 15 का पार्ट बोल, 0.18 में 15/350 काट रहे 5 के टेबल में,
तीन बाय, सोल्व मत कर, पढ़ा रहने दे, 3/70 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 3 × 7 × 10। अरे हाना कुछ तो बोले यार, चल लिख दे फिर फटाफट से। ये तो OH आया है, निकालना क्या है इससे, तो हमारा POH ही निकलेगा, माइनस OH नेगेटिव, वैल्यू पुट कर वहां से यहां पे, माइनस लॉग 3/7 × 10। बोलो क्या करोगे, POH इक्वल्स टू माइनस लॉग, न्यूमेरेटर वाला माइनस बाद में लगाऊंगा, न्यूमेरेटर वाला ऐसे और ये डेनोमिनेटर वाला माइनस में कर लो, लॉग 7 माइनस लॉग 10, सॉल्व नहीं करना बस ऐसे लिख लो। सबको वैल्यू याद है 10 तक की, कराई थी ना, आज फायदा मिल रहा है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं, POH इज इक्वल टू लॉग 3 मर्सिडीज का नंबर 4 7 7 1 लिखो या 4 7 लॉग 7 इज 0.84 और लॉग 10 इज 1। अब ये माइनस अंदर भेज दो या इन दोनों को जोड़ लो, माइनस माइनस प्लस होते हैं ना, कितना आएगा 0.47 माइनस माइनस 1.84, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया, माइनस कर 1.3 समथिंग आएगा, 37। ये POH आया, लेकिन निकालना क्या है तुझे, pH 12.7 के नियम वाला परफेक्ट आंसर आ रहा है, 14 हाँ जो भी है, 12.63 वेरी गुड। चले आगे, अगला क्वेश्चन है तुम्हारे स्क्रीन पे, फटाफट से कर दो, इसका आंसर चाहिए मुझे, कई बच्चों ने इसका आंसर निकाल भी दिया, क्वेश्चन लिख लो। इसमें एसिड प्लस एसिड लगेगा या बेस प्लस बेस लगेगा या एसिड माइनस बेस लगेगा, एक एसिड एक बेस है तो माइनस करोगे या प्लस करोगे, माइनस। चलो जल्दी से बताओ मुझे फटाफट से, अभी तक आंसर आना चाहिए था यार, कितना आंसर आया, तो अगर सेम आ रही है तो ऐसा क्या मतलब है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में जितना एच प्लस होता है उतना ही पीएच होगा, उतना ही पीओएच होगा, मतलब दोनों 7 होंगे, बात समझ में आई, सुनो मेरी बात ध्यान से, 10 0.01 H2SO4 का एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना, सेम ही है, सब कुछ सेम ही तो है, खत्म। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा तो पीएच या पीओएच 7 आ जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सीधा लिख दो कि पीएच जो है वो पीओएच के बराबर है जो कि 7 है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई, पक्का। बढ़ते हैं एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ जो आपको करना है, मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करने वाला, जल्दी करिए, और ये क्वेश्चन आपके लिए, एक एसिड है एक बेस है, यस और नो, एन फैक्टर भी, इसका एन फैक्टर कितना है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, पहले ये कंप्लीट, अरे वो तो वीडियो